Hello, hello, hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're gonna watch another one of Kerry Minati's video. I've heard that he's done another video on the very famous Pakistani reality TV show called Living on the Edge. So yeah, let's go ahead and watch Kerry Minati roasts Living on the Edge. Daring. Khatra. जान लेवा जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा क्या हो रहा है हट जाओ ठीक है ठीक है तो कैसे हैं आप लोग पता है अक्सर मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि मेरा फेवरेट रियलिटी टीवी शो कौन सा है और मेरे होटो पे सिर्फ एक ही नाम आता है रोडी पाकिस्तानी रोडीज और इसको अभी तक पाकिस्तानी रोडीज बोल रहा है इस शो को चलाता है पाकिस्तान का सबसे डेयरिंग लौंडा वकार जक्का अब इस शो पे मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ लेकिन क्या करें दिल तो बच्चा है जी जो बात बकचोदी पसंद है उसे तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी आओ सबसे पहले जानते हैं वकार जक्का को वकार जक्का क्यों कहते हैं अपनी कोई खास बात बताइए ज्यादातर सिंगिंग का शौक है अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे वकार उस लड़की को गाना गाने के लिए बोलेगा है ना नहीं एक मिनट तक चीख मारती रहे एक मिनट तक चीख मारती रहे वकार का यही सिस्टम है जब उसे कोई बोलता है ना सर मुझे बहुत अच्छा डांस करना आता है तो वकार उसे बोलता है अपने पैर कंधों पर रख के घुटनों पर बल चल के देखा वकार का दूसरा फीचर है कि वो पहले लोगों को खुश कर देता है फिर उनका चूतिया काट देता है क्या नाम है तुम्हारा मुस्तिजाब स्पेल करो MUSTYJAB इतनी गिराने के बाद भी सिलेक्शन हो गई बैठो खोले पड़े इसे अंदर ट्रोल नम इज सिलेक्टेड सिलेक्टेड ये कांड ये सालों से करता रहा है अरे सोचो लड़की पे क्या बीत रही होगी नहीं 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 ऐसे समझो अगर तुम मोमोज खा रहे हो और फिर पैसे तुम साइड में गोले वाले को दे दोगे तो मोमोज वाला पैर नहीं छूने का तुम्हारे चप्पल ही आएगी सीधे मुंह पे अब आ जाते हैं कुछ कंटेस्टेंट्स पे जो कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है शो के लिए क्या हालात है भाई व्हाट द व्हाट क्या भाई मैं ठीक ठाक आप सुनाएं ये क्या बनाया है बेसबॉल हेलमेट लेके आ गया ये माउंटेन व्यू सप्लाई कर रहा है मुझे ताकि मेरी रगों में माउंटेन व्यू होगा उस वक्त तक मुझे हिम्मत रहेगी तो तुम हिम्मत वाले के साथ साथ भोसड़ी वाले बन सकते हो जी हाँ तुम भी सब बन सकते हैं भोसड़ी वाले अगले कंटेस्टेंट से पूछा गया कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो क्या करना चाहते हैं मैं अपने फेस पे ट्यूब आर्ट तोड़ सकता हूँ इनके तो अलग ही शौक है सोचो यार घर पे मेहमान आया है उनमें से कोई पूछता है बेटा क्या करना है जिंदगी में मैं अपने फेस पे ट्यूब आर्ट तोड़ सकता हूँ और फिर सुनो यार हमारे बच्चों वाला लड़कियां करती है ट्यूब लाइट तोड़ता हूँ इससे क्या होगा बच्चों वाला इसके घर पे तोड़ती होंगी भाई लड़कियां यार देखो मुझे पता है कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से मुझे देखते हैं सबसे पहले बहुत लोग हैं वो और दूसरी बात क्या शो है ये बहनचोद अब आ जाते हैं ऑडिशंस पर तैयार हो जाओ ऐसे ऑडिशंस तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखे 17 × 12 हाँ चल हट जा इतना टाइम नहीं है नेक्स्ट हाथ क्यों उठाया था 184 बस का हो गया कितना बस इसकी सिलेक्शन हो गई आ जाओ मुझे नहीं पता था लगा 5 से 6 मैथ्स की ट्यूशन भी लेता है हाँ जी आ गए सब चलो कौन बताएगा 17 × 12 कितना होता है सर जी 204 शाबाश आजा भाई आजा गान पे थप्पी ले ले अब तुम लोगों को म्यूजिकल चेयर्स तो याद ही होंगी आउट होने पर बहुत दुख होता था खैर उसका एक साधारण खेल कुछ ऐसा दिखता है अमेरिका में ऐसा होता होगा साधारण और ये है म्यूजिकल चेयर्स लिविंग ऑन द एज एडिशन क्या कर रहे हैं यार
जाहिल। सोचो जो लोग हारे होंगे उन्होंने घर पे क्या बोला होगा, 32 लौंडों के साथ म्यूजिकल चेयर्स खेल के आ रहा हूँ। लेकिन वकार भाई ने म्यूजिक ही नहीं चलाया। एक छोटा जो बात है, मैं तुम लोगों को एक शक्ल दिखाऊंगा, ये देखो, और तुम लोगों को बताना है इस चेहरे की कहानी क्या है, इसने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, क्या ये अफसोस में है, क्या ये नपुंसक है, पड़ोस के बच्चों को देख इसकी आंखों में पानी आ गया, आखिर क्या है, आइए जानते हैं इस चेहरे का सच। मारे ओ तेरी खैर। ओ तुम्हें क्या लगता है ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये दर्द भरी वाली फीलिंग में घुसने के लिए क्या करते हैं? रजत मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। रजत मारे अब ये कोई राज की बात नहीं है, वकार भाई को लोगों के मुंह में अलग अलग चीजें देने में बड़ा मजा आता है, खासकर जानवरों के मुंह, कभी सांप का मुंह, कभी कछुए का मुंह, लेकिन हद तो तब हो गई जब वकार भाई ने ये कांड किया। What's going on? आज से जिसके भी गिरा बार मारना नहीं है, मर जाएगा ना, आपने तो पकड़ा हुआ इस तरह। खोले बगैर ही मेरी पैंट लूज है, मैं ऊपर से डाल दूं। खोल के डालेंगे आप? ठीक है ठीक है सर, तो खोलेंगे तो एक बात मैं करूंगा तो वो। अब ये चैलेंज है, इतनी कहानियां नहीं है, खोले भाई। अबे भाई क्या करवा रहा है ये लोगों से? नहीं यहाँ नहीं, अंडरवियर के अंदर। What the fuck? अंडरवियर के अंदर। उस दिन दो मासूम मेंढक एक ऐसी दुनिया में गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे बता हत्या बहन चुत, कहाँ कबड्डी खेलने देती है मेंढकों को? अरे अपनी परवाह नहीं है तो यार जानवरों की कर लो, तुम्हारा सर कोई अपनी चड्डी में देगा तो कैसा लगेगा? अरे कहाँ से आते हैं लोग, कौन बनाता है इन्हें, इनका बस चले तो ये उल्टी खोपड़ी वाले बुर्ज खलीफा से छलांग लगा लेंगे इस शो के लिए, और अगर गलती से बच गए तो वकार चिल्लाएगा इस शो में आपका स्वागत है। खुशामदीद। सोचो हम जैसा कोई चला जाए तो क्या हालत होगी इसकी? पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड, डेयरिंग, खतरनाक शो, एजिंग विद वकाज़का। बैठे हैं अपनी सीट पे, इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट बाल बहुत कुत्ते आ गए जी के बाल बाल बहुत कुत्ते आ गए यार। हाँ जी आपका नाम? सर माई नेम इज उर्दू। सर मेरा नाम जुनेद है। जुनेद भाई ज्यादा वक्त बर्बाद करने की तो जरूरत नहीं है, सीधा चैलेंज दें आपको। हाँ सर जैसे आपकी कॉमेडी स्किट्स भी करने लग गया अभी। That's good. क्या ये सर फिजिक्स? उर्दू किसी को नहीं पता। बुलबुलाहट स्पिनर। क्या करना होगा इसके साथ सर? काजल का क्या सीन है भाई? ये इंडियन मुसलमान लोग लगाते होंगे काजल, मुझे पाकिस्तान में कोई लड़का नहीं जानता, मैं पूरे पूरे अपने इसमें जो काजल लगाता हूँ। मुंह में डालना है गांड से निकालना है। क्या? मुंह में डालना है गांड से निकालना है। जुनेद भाई आपके पास 5 मिनट। सर ऐसे कैसे? ऐसे डर होते हैं वैसे इसके। ड्रामे नहीं चाहिए, आपने नहीं करना है? नहीं सर करना है। करें। इस शो के स्टंट्स अपने घर पे ट्राई ना करें, सारे स्टंट्स एक्सपर्ट की निगरानी में हो रहे हैं। एक्सपर्ट चिकन खा रहे बैठिए। सर ये तो आगे बढ़ा यार, बोरिंग हो गया। सर इसका कुछ अल्टरनेटिव मिल जाता तो। अल्टरनेटिव चाहिए? हाँ सर। ले आओ भाई इनका अल्टरनेटिव चैलेंज। क्या है ये? सर रॉड है ये तो। क्या करना होगा इसके साथ? सर गांड में डालना है, मुंह से निकालना है। निकालना है क्या? गांड में डालना है, मुंह से निकालना है। सर ये तो सर ओहो जुनेद भाई ड्रामे नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं सर सर प्लीज भेजो भाई अगले कंटेस्टेंट को। नहीं नहीं सर सर प्लीज सर मैं बहुत दूर से आऊँ सर, मेरी एक किडनी है सर सर प्लीज सर ले आओ भाई इनके लिए दूसरा चैलेंज। क्या है ये? सर सांप। क्या करना होगा इसके साथ? सर इसका मुंह अपने मुंह में रखना होगा। इसने वाकई में सांप रखा हुआ अपने ऊपर? सर इसे भी गांड में डालना है क्या? जुनेद भाई आप पागल हो गए हैं, आपकी वजह से लोग कहते हैं वकार जानवरों के साथ बदतमीजी करता है।
सर तो क्या करना है इसके साथ? अपना मुंह इसके मुंह में रखना है, अगर आप जिंदा बच गए तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सर दिस इज सो लेम बट सो फनी। उर्दू अरे बस चुप, बहुत हो गई तुम्हारी उर्दू, ले आओ इसे, मैंने उतार रहा हूं कोई। बीच बाजार में इतना मारेंगे आपको, सारी उर्दू बोल जाएंगे, समझते क्या हमने आपको? पहले कुलबुला आर्ट स्पिनर मेरे को पकड़ा दिया, फिर आओ उसे गांड में दो और मुंह से निकालो, वो भी 5 मिनट में। 5 मिनट में मैगी नहीं बनती है पता है आपको? फिर कुछ अल्टरनेटिव मांगा तो रॉड दे दी और उसे कहा अपने तशरीफ में डालो और मुंह से निकालो। अरे भाई साले कुछ सिस्टम होता है हमारा, ऐसे अंदर बाहर थोड़ी ना कर सकते हैं। कुछ अलग मांगा तो सांप पकड़ा दिया और कहा अपना मुंह उसके मुंह में दे दो। अरे आपको मुंह में देने का बहुत शौक है ना, बुलाइए किसी कंटेस्टेंट को और चुसवा के दिखाइए अपना, देखता हूँ मैं भी। आपकी सिलेक्शन हो गई। This is so bad. जुनेद भाई, आपने ये पहले क्यों नहीं बोला? थैंक यू सर, सर जो मैंने कहा 18 मिनट्स सर, शुक्रिया सर। ट्रोल करने वाला उसको। नाम देखे क्या लिखा है शीट पे? आसिफ। आसिफ भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है। शुक्रिया वकार भाई। बहुत आला। जिसने ज्यादा उठाया वो जीत गया। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आए। Alright guys, so that was Carrie Minotti, best show in the world, best reality show in the world. That was really funny video. Carrie Minotti ki videos usually funny hoti hain. He is unapologetic. He is just straight up, jaisa feel karta hai, waisa bol deta hai camera pe. And he has a lot of success because of that. So that's pretty cool. Isne pehle bhi is show pe video bana chuka hai. Shayad ek do videos already bana chuka hai. This is the third video he's making, I think. And I won't say boring ho gayi thi, lekin wo skit wala part थोड़ा सा redundant था, I don't know, I didn't like it. उससे पहले का जितना कुछ था बहुत funny content था, जब ये रहना शुरू करता लोगों की, तो he is really good at roasting people. It was a good video, it was funny. मुझे एक चीज़ बड़ी हैरानगी हुई देख के, इसने इतना सारा homework किया हुआ होता है यार. I think he has a team now, I hope he has a team. क्योंकि इसका देख के लग रहा था स्टूडियो अपार्टमेंट इसका जो बना हुआ है पूरा, देख के तो खैर लग रहा था इसको किसी ने जेल में बंद किया है, लेकिन इजाजत दे दी कि जेल जितना सजा सकता है सजा ले, लेकिन स्टिल इट लुक लाइक ही इज गेटिंग सम सपोर्ट, मे बी सम 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 पीपल बिहाइंड हिम वर्किंग राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर हिम. तो क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो बहुत रिसर्च के बाद ही मिल सकती थी आपको, जैसे कि वो एक्सपर्ट का जो शॉट था वो चिकन खाते हुए, आई थिंक वो दैट वॉज अ रियल शॉट फ्रॉम द शो लिविंग ऑन द एज, और आई थिंक वो यू ओनली फाइंड दैट विद अ लॉट ऑफ रिसर्च. तो yeah, I'm glad he knows what he's talking about, and उसने पूरी थरो रिसर्च की है, उसको पता है वकार ज़ाका किस तरह का चूतिया इंसान है, उसको पता है कि वो कैसी हरकतें करता है. So yeah, man, I really appreciate this roast. Somebody has to do these things, and thank you for doing that. Yeah, that's it for today. Thank you for watching Neha. I hope you subscribe. Shab-a-khair.